गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सभी को पता होगा कि मैंने एक सप्लीमेंटेशन सीरीज जो थी मैंने वो स्टार्ट की थी और उसमें से दो वीडियोस ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ। फर्स्ट जो वीडियो था वो क्रिएटिन के ऊपर था एंड द सेकंड वन वाज ऑन वे प्रोटीन। सो द थर्ड सप्लीमेंट विच आई हैव हियर विद मी इज BCAA जो कि मेरे सप्लीमेंटेशन सीरीज का थर्ड सप्लीमेंट होने वाला है। एंड कुछ दिन पहले ही मेरे घर में ये डिलीवर हुआ था तो आई थॉट कि इस पर भी एक वीडियो बनना चाहिए। काफी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि BCAAs को हमारे सप्लीमेंटेशन स्टैक में इंक्लूड करें या नहीं करें, तो इसके ऊपर आज पूरा डिटेल वीडियो होने वाला है। सो एंड तक जरूर बने रहना वीडियो में। दिस वीडियो इज गोना बी वेरी इन्फॉर्मेटिव एंड मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा कि मैं मेरा एक्सपीरियंस अभी तक का BCAAs के साथ कैसा रहा है एंड आपको सच्ची में BCAAs खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये मेरा सबसे पहला BCAA है और मुझे कम से कम एक हफ्ता हो चुका है BCAA यूज करके। सो एक हफ्ते का एक्सपीरियंस को तो एक्सपीरियंस नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी मेरा पहले का भी एक्सपीरियंस है जहाँ पे मेरे दोस्त जो थे, मेरे जो पार्टनर्स थे, जिम पार्टनर्स, वो लोग BCAAs का यूज करते थे, तो उनका एक्सपीरियंस मैं भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो नाउ जस्ट स्टार्टिंग विद द वीडियो। सो सबसे पहले BCAAs होते क्या है। BCAA का अगर थोड़ा सा साइंटिफिक वे में आपको बताऊं तो BCAA का फुल फॉर्म होता है ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स। तो अमीनो एसिड्स या अमाइनो एसिड्स कुछ भी बोलो चलता है। तो अमाइनो एसिड सबसे पहले तो हमारी बॉडी में नेचुरली मिलते हैं, हमारे ब्लड स्ट्रीम्स में अमाइनो एसिड्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो जिम जाते हैं, जो बहुत सीरियसली अपने फिटनेस गोल्स को फॉलो करना चाहते हैं, फिटनेस रूटीन को सेटअप करना चाहते हैं, वो लोग BCAAs का यूज करते हैं अपने मसल रिकवरी में, अपने टिश्यूज जो हमारे टेयर हो जाते हैं या फिर डैमेज हो जाते हैं उसको रिपेयर करने के लिए BCAAs हेल्प्स अस अ लॉट। तो BCAAs का बेसिकली यही काम है। तो अगर हम इसके लेवल को पढ़े तो इस लेबल में यहाँ पे लिखा है 4:1:1। तो अब ये रेशो किस चीज का है, तो इसमें फोर पार्ट्स जो है, अगर हम इनकी इंग्रेडिएंट्स की बात करें, ये इंग्रेडिएंट्स का फोटो जो है वो मैं वीडियो के एंडिंग में डाल दूंगा, सो यू गाइस कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर। तो अगर इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें लिखा है एल ल्यूसिन, एल आइसोल्यूसिन एंड एल वैलिन। तो ये तीन चीज क्या है, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन एंड वैलिन, दीज थ्री आर BCAAs। बेसिकली ये तीनों अमाइनो एसिड्स है और ये तीनों का ग्रुप मिला के हम इनको BCAAs बोलते हैं, दैट इज दी ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स। तो अभी इसमें से सबसे पहला जो है विच इज एल ल्यूसिन, तो एल ल्यूसिन क्या काम करता है। एल ल्यूसिन का काम बेसिकली ये है कि जो भी आपका आप जिम में जब ट्रेन करते हो तो मसल आपका जो है वो टेयर हो जाता है, राइट। हम मसल्स पे वर्क करते हैं तो मसल रिपेयर का काम करता है एंड प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। प्रोटीन सिंथेसिस मतलब बॉडी में प्रोटीन बनने का काम, मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब ये है कि जनरेशन ऑफ प्रोटीन इन ह्यूमन बॉडी। तो ये होता है प्रोटीन सिंथेसिस का काम, प्रोटीन बनना बॉडी में। सेकंड इसके लेवल पे लिखा है एल आइसोल्यूसिन। अब एल आइसोल्यूसिन क्या है, एल आइसोल्यूसिन जब भी आप वर्कआउट करते हो तो आपको एनर्जी देने का काम करता है, एंड्योरेंस बूस्ट करने का काम करता है और आपका जो मसल जो होता है वो फट जाता है ड्यूरिंग वर्कआउट, जैसे कि मैंने कहा। तो मसल जो आपका टेयर हो जाता है उसको मसल रिपेयर का काम करता है बेसिकली ये। उसके बाद थर्ड इज एल वैलिन। अब वैलिन भी इसका ही थर्ड अमाइनो एसिड है, जैसे कि मतलब BCAA में तीन अमाइनो एसिड है, जैसे कि मैंने पहले बताया, दो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एंड थर्ड वन इज वैलिन। तो वैलिन क्या काम करता है, वैलिन बेसिकली टिश्यू रिपेयर का काम करता है। जो भी आपके मसल टिश्यूज होते हैं जो कि वेयर एंड टेयर से यू नो डैमेज हो जाते हैं, वो टिश्यू रिपेयर का काम करता है वैलिन। अभी थोड़ा सा हम और डीप अगर साइंटिफिक वे में जाए तो एक मेथड होता है जो मैं आपको बता रहा, जो एकदम सिंपल सी लैंग्वेज में, मैं आपको ज्यादा टेक्निकल्स में नहीं लेके जाऊंगा। जब भी आप वर्कआउट करते हो, एक नॉर्मल वर्कआउट जब भी आप करते हो, तो ट्रिप्टोफैन नाम का एक अमाइनो एसिड होता है, ट्रिप्टोफैन नाम का एक अमाइनो एसिड होता है जो आपके दिमाग में जाता है, इट गोज इनटू द ब्रेन एंड ब्रेन में जाके वो एक हार्मोन होता है सेरोटोनिन। तो सेरोटोनिन नाम का हार्मोन आपने पहले भी सुना होगा, जिन्होंने नहीं सुना उनको बता दूं कि सेरोटोनिन नाम का हार्मोन जो है वो एक फीलिंग हार्मोन कह सकते हो आप। आपको जो भी हैप्पीनेस फील होता है, सैड फील होता है या फिर फटीग महसूस होता है कि यार नहीं मुझे पेन हो रहा है, ये सारे जो फीलिंग्स के रीजंस है, या फिर जैसे मैंने आपको बताया मुझे आज बहुत खुशी महसूस हो रही है या फिर मैं आज बहुत सैड फील कर रहा हूँ, तो ये सारी जो फीलिंग्स है वो सेरोटोनिन की वजह से आती है। तो सेरोटोनिन जब आपके बॉडी में जाता है, जब भी आप वर्कआउट करते हो, तो ये ट्रिप्टोफैन गोज इन टू योर ब्रेन एंड वो सेरोटोनिन को एक सिग्नल देता है फटीग वाला। तो इसका एक साइड इफेक्ट है सेरोटोनिन का, ये आपके बॉडी में जल्दी से जल्दी आपको फटीग का
फील देता है कि अभी बॉडी थक चुकी है, इसके आगे मैं और रिपीटेशंस नहीं कर सकता। एक और सेट अगर आपको लेने की इच्छा हो लेकिन आपकी बॉडी यू नो रेस्पॉन्ड कर रही है अंदर से कि यार नहीं बस हो गया, आज के दिन बहुत हो गया, तो ये सारी जो फीलिंग्स है वो सेरोटोनिन की वजह से आती है। तो अभी जब भी आप BCAAs एक्सटर्नली लेते हो, एक्सटर्नली मतलब ये जो पाउडर है मेरे पास ये वाला जिसको BCAAs कहते हैं, तो अगर आप इसको एक्सटर्नली यूज करते हो तो एक्सटर्नली यूज करने के बाद आपको होगा क्या, वो ट्रिप्टोफैन जो है वो आपके दिमाग में एंटर होने से थोड़ा सा टाइम उसका डिले हो जाएगा। मतलब जो टाइम पे सर ट्रिप्टोफैन आपके माइंड में जाता है, आपके ब्रेन में जाता है, वो एकदम क्विकली जाता है ड्यूरिंग द वर्कआउट्स इफ यू आर नॉट यूजिंग BCAAs। जब आप BCAAs यूज करोगे तो ट्रिप्टोफैन को आपके ब्रेन में जाने को थोड़ा टाइम लगेगा। इन शॉर्ट आपका जो सेरेटोनिन बनने का प्रोसेस है, सेरेटोनिन हार्मोन जो प्रोड्यूस होने का प्रोसेस है, वो थोड़ा सा उसका टाइम जो है वो कम हो जाएगा या फिर बंद ही हो जाएगा। तो आपको जो फटीग महसूस होने वाला है वो आपको वर्कआउट के बाद महसूस नहीं होगा, यू विल फील मोर फ्रेश। आप ऐसे भी लोग हैं कि जो बिना BCAA लिए भी आपको जिम के बाद फ्रेश लगता है, जैसे कि मैं हूँ। मैं जब जिम जाने वाला होता हूँ तब मुझे थोड़ा सा लेजीनेस फील होता है कभी कभी, मन करता है कि यार आज रहने देते हैं, जिम नहीं जाते, लेकिन मैं ऐसा कभी करता नहीं हूँ, दैट इज द होल डिफरेंट स्टोरी। लेकिन जिम के बाद मुझे फ्रेशनेस महसूस होती है, ऐसा लगता है कि बहुत फ्रेश है अभी, मैं सारे काम मेरे एक्टिवली कर सकता हूँ, परफॉर्म कर सकता हूँ। तो ये कोई कोई लोगों में होता है, कोई कोई लोगों में ऐसा होता है कि यार जिम के बाद बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही है, अभी सोने का मन करता है, ये वो। वेन यू हैव अ वेरी हैवी डे लाइक लेग डे के बाद, काफ़ी सारे लोगों को, तो मुझे भी होता है लेग डे के बाद मुझे रात को जल्दी नींद आती है। तो होता है जब आप BCAAs लेते हो तो ये जो आपका फीलिंग है वो आप मतलब कट डाउन कर देते हो, ये फटीग वाला जो फीलिंग है। तो ये सारा था साइंटिफिक रीजन, साइंटिफिक तरीका बोल सकते हो आप कि BCAAs एक्चुअली होता क्या है, मैंने समझा दिया, कैसे काम करता है मैंने समझा दिया। अभी आता है नेक्स्ट पॉइंट कि यार आपको BCAAs लेना चाहिए आपके डाइट में या नहीं, इंक्लूड करना चाहिए आपके सप्लीमेंट स्टैक्स में या नहीं। तो अगर मेरी मानोगे तो मेरा आंसर अभी भी रहेगा कि आपको BCAAs लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब क्यों ज़रूरत नहीं है, इसके पीछे भी तीन रीजन है। सबसे पहला रीज़न है कि अगर आप सुबह वर्कआउट करते हो, आपको पता है सुबह का वर्कआउट मतलब ओवरऑल एम्प्टी स्टमक होता है आपका, आप सुबह कुछ ज़्यादा खा नहीं पाते हो, एंड दैट इज़ द रीज़न कि आप 100% नहीं दे पाते हो आपका वर्कआउट में सुबह। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सुबह 100% देते हैं, शाम को वर्कआउट नहीं कर पाते। सो अगर आप सुबह वर्कआउट कर रहे हो विद एम्प्टी स्टमक, देन यू शुड टेक BCAAs, बिकॉज फिर आपका प्रोटीन सिंथेसिस में काम होगा। और सेकेंड रीज़न इसकी, जिसके डाइट में प्रोटीन का जो इंटेक है जिनका कम है, वो लोग BCAAs का इस्तेमाल करो, क्योंकि पहले से आपके बॉडी में प्रोटीन कम है, BCAAs लेके थोड़ा सा प्रोटीन सिंथेसिस से आपका जो ओवरऑल प्रोसेस है बॉडी का प्रोटीन बनाने का, वो थोड़ा सा बूस्टअप होगा और आपको मदद होगी मसल ग्रोथ करने में। अब बहुत लोग पूछते हैं कि यार BCAAs से मसल ग्रोथ होता है या नहीं। स्लाइट मसल ग्रोथ होता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोटीन सिंथेसिस जो आपकी बॉडी में होता है, जो आपका प्रोटीन, अगर डाइट नहीं है प्रोटीन डाइट पूरा, अगर आप सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो प्रोटीन से पूरा, तो आप BCAAs इंक्लूड करो, प्रोटीन सिंथेसिस में काम होगा। और इन शॉर्ट आपका मसल, ऐसा नहीं है कि पाउडर खा के ही आपके मसल ग्रो होगी, वैसा कुछ है नहीं, सब आपके डाइट पे होता है। डाइट इज द की, डाइट इज द 70% ऑफ व्हाट यू डू एंड 30% इज द एक्सरसाइज। सो आपका किचन क्लीन रखो, क्लीन से मेरा मतलब ये नहीं कि उसका फर्श वर्श सब चमकना चाहिए, ऐसा नहीं है। क्लीन का मतलब यह है कि क्लीन डाइट रखो, जो भी है शुगर ऑयल वगैरह वो थोड़ा सा कम करो, ज़्यादा खा रहे हो तो थोड़ा सा कम कर दो। प्रोटीन जो है वो प्रोटीन पे ज़्यादा फोकस करो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोटीन ही खा रहे हो, कार्ब्स वगैरह सब जीरो है, फैट जीरो है, आगे चल के प्रॉब्लम होगी। तो सब इन प्रोपोर्शन होना चाहिए। वी आर नॉट दी प्रोफेशनल एथलीट्स, अगर मेरी बात करते हो तो मैं भी प्रोफेशनल एथलीट नहीं हूँ, मुझे कुछ स्टेज वगैरह कम्पीट करना नहीं है, ऐसा मेरा गोल भी नहीं है और मैं करने भी नहीं वाला हूँ। लेकिन फिर भी अगर आप लोग आपका फिटनेस के लिए सीरियस हो तो आपका किचन शुड बी क्लीन, यू शुड कीप योर डाइट क्लीन। मेरा गोल, मुझे पता है क्या है, आने वाले टाइम में शेयर करूंगा क्यों मैं इतना जिम करता हूँ, तो ऑब्वियसली उसके पीछे भी कुछ रीज़न होगा, राइट? तो मुझे हमेशा अपनी बॉडी को अच्छे कंडीशन में रखना पसंद है। जैसे हम अपनी चीज़ों को रखते हैं, जैसे कार को हम डेली वॉश करते हैं, राइट? बाहर जाने से पहले हम जूते पॉलिश करते हैं, तो सेम वे मुझे भी अपनी बॉडी को अच्छा रखना अच्छा लगता है, मतलब इन शेप रखना। तो यही है। और हाँ, द थर्ड मेन रीजन BCAAs ऐड करने का, अगर आप लोग स्टेरॉइड्स पे हो, अभी मैक्सिमम लोग, मेरे यूजर्स तो मुझे नहीं लगता आप में से कोई भी स्टेरॉइड्स पे होगा, और मैं सजेस्ट भी नहीं करता कि दैट यू शुड टेक स्टेरॉइड्स, वो भी एक अलग टॉपिक है, कभी किसी और वीडियो में मैं कवर करूंगा। लेकिन इफ यू गाइज आर ऑन साइकिल, साइकिल का मतलब है स्टेरॉइड साइकिल, तो यू कैन यूज BCAAs। अदरवाइज
ये तीन रीजन जैसे कि मैंने बताया, एम्प्टी स्टमक, स्टेरॉइड साइकिल एंड द थर्ड वन इज कि अगर आपका प्रोटीन इनटेक कुछ ज्यादा नहीं है तो BCAAs इंक्लूड करो। ये तीन रीजंस के पीछे अगर आपका एक भी रीजन नहीं है इन तीन रीजंस को पकड़ के, तो प्लीज 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 डू नॉट इंक्लूड दिस इन योर डाइट, इन योर सप्लीमेंटेशन स्टैक। अननेसेसरीली पैसा बर्बाद मत करो इसका। अगर प्राइस मैं आपको बताऊं तो न्यूट्राबे हैज चार्ज्ड मी अराउंड 900 रुपीज फॉर ओनली 300 ग्राम्स। अब ये सिर्फ न्यूट्राबे ने नहीं चार्ज किया, ये सारे जो भी आप सप्लीमेंट्स लेते हो, अब ये न्यूट्राबे का है, और भी महंगे महंगे सप्लीमेंट्स है मार्केट में, और भी महंगे BCAAs मार्केट में आते हैं जो कि इससे भी ज्यादा महंगे। तो 300 ग्राम के लिए आप 900 रुपए खर्च करोगे तो मुझे नहीं लगता कि इट इज अ वेरी बिग, इट इज अ ग्रेट डील, नहीं लगता मेरे को ये। लेकिन नाउ न्यूट्राबे हैज गिवन मी दिस इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस। एंड ये शेकर मुझे फ्री में मिला है फ्रॉम न्यूट्राबे, सो वंस अगेन थैंक यू न्यूट्राबे फॉर दिस। और मैंने एक वे प्रोटीन मंगाया दैट इज ऑल्सो फ्रॉम न्यूट्राबे, तो मैं लिंक में सॉरी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप तीनों प्रोडक्ट्स वहां से जाके खरीद सकते हो। सो न्यूट्राबे थैंक यू वंस अगेन फॉर ऑल द स्टैक। वे प्रोटीन इज वेरी गुड, मिक्सिबिलिटी का थोड़ा सा इश्यू है लेकिन फिर भी चलता है उतना तो, बट स्टिल एवरीथिंग इज गुड। और इसे लेना कैसे मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ, जस्ट ओपन इट, फटा हुआ है ऑलरेडी। और ये जो फ्लेवर है इसका, आप एडिक्ट होने वाले हो इस फ्लेवर से अगर आप BCAAs लेते हो तो, इट इज बेरी ब्लास्ट। और मैं सजेस्ट करूंगा कि ठंडे पानी में, जितना पानी ठंडा होगा ना उतना अच्छा मजा आएगा आपको BCAAs लेने के। तो बस करना ये है कि इसके अंदर से एक स्कूप है, वो स्कूप में से पाउडर निकालना है, पानी में डालना है, जस्ट शेक वेल एंड वर्कआउट के दौरान लेना है। हाँ, लेना कब है, एक तो आप प्री वर्कआउट ले सकते हो या फिर पोस्ट वर्कआउट ले सकते हो वर्कआउट होने के बाद, या फिर वर्कआउट से पहले, या फिर विद इन द वर्कआउट, एक एक सिप करना है और फिर वर्कआउट करना है। जैसे कि आप पानी पीते हो ना वर्कआउट के बीच में, तो आपको इसको पानी में डाल के पीना है। सो तीनों फॉर्म में आप ले सकते हो, कोई इसका मतलब ऐसा स्टैंडर्ड ये नहीं है कि आप ऐसे लेना चाहिए वैसे लेना है, यही टाइम पे लेना चाहिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो गाइज, बोलते बोलते थक गया मैं क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेटिव था वीडियो। और एक्सपीरियंस मेरा अगर बोलूँ तो 6-7 दिन हो गए पहले से भी मेरे दोस्त यूज़ करते हैं, तो उनको अच्छा एक्सपीरियंस मिला इससे। ऐसा नहीं कि कुछ नुकसान है बॉडी को, कुछ ऐसा प्रॉब्लम है नहीं इसमें तो। लेकिन अननेसेसरीली पैसा, वही बात आती है फिर यार, पैसे क्यों खर्च करें? तो आपको अगर पैसा खर्च करना नहीं है अननेसेसरीली, सो डोंट गो फॉर दिस प्रोडक्ट। इफ दीज थ्री कंडीशन जैसे कि मैंने पहले बताया, अगर आप वो सेटिस्फाई करते हो तो बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं, अगर सेटिस्फाई नहीं हो रहे हो तो देन ऐड द सप्लीमेंट इन योर स्टैक। सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो गाइज, थैंक यू सो मच। अगर आप एंड तक बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक कर देना। एंड मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज में लेके आऊंगा, और भी सप्लीमेंट्स बचे हैं वो भी मैं लेके आऊंगा, एंड आई विल शूट द वीडियो फॉर यू गाइज। सो थैंक यू सो मच गाइज, एंड साइनिंग ऑफ, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी, बाय बाय।